Hello, my dear students. A very warm welcome to all of you. Welcome you all to IAB Content Shorts. बेटा आज के जो कंटेंट शॉर्ट वीडियोस में हम चर्चा करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक टॉपिक से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज। जहां तक इस पर्टिकुलर टॉपिक का सवाल है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हाँ नीट में पूछता है वो बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, या फिर इसके एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स हो गया, या फिर अल्कोहल फिनाइल ईथर हो गया, जब हम चैप्टर्स के अंदर जाते हैं इसकी झलक हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ तक नीट का सवाल है, एक से दो क्वेश्चंस का इसका वेटेज है, डायरेक्ट वेटेज, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बोल सकते हैं रू या फिर सोले। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। जैसे कि इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी और हमने हेडिंग दिया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में चर्चा करने से पहले जैसे बात आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि वी आर बेसिकली डीलिंग विद ऑर्गेनिक चेंजेस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन की हम बात करें, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को ब्रॉडली हम ऐसे सोच सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट। अब अगर रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट में हम ब्रॉडली रिएक्टेंट्स को हम दो पोर्शंस में हम ब्रेक करते हैं, एक होता है सब्सट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। अब अगर सब्सट्रेट और रिएजेंट क्या है इसको समझने की कोशिश करें, सब्सट्रेट वो स्पीसीज है यानी वो रिएक्टेंट है जिसके ऊपर अटैक होता है, which is being attacked, जिसके ऊपर अटैक होता है वो होता है सब्सट्रेट, एंड जो अटैक करता है द स्पीसीज विच अटैक्स इज कॉल्ड एज रिएजेंट। जब एक रिएजेंट एक सब्सट्रेट के ऊपर अटैक करता है, डायरेक्टली कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, इट पासेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जब कभी भी हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का, तब हम सोचते हैं कि एक सब्सट्रेट है जिसके ऊपर एक रिएजेंट अटैक करता है, और जब कभी भी एक रिएजेंट एक सब्सट्रेट के ऊपर अटैक करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ये बहुत कम समय के लिए बनते हैं, एंड ये लोग हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये अपना स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करेंगे, इमीडिएटली ब्रेक करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की अगर बात करें, देयर इज ऑलवेज ए मल्टीपल पॉसिबिलिटी ऑफ यू कैन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनने की संभावना काफी ज्यादा होता है। तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे बेस्ड होता है। भले ही ये शॉर्ट लिव्ड है, इनके भी अलग अलग प्रजाति एक ही रिएक्शन में बन सकते हैं, और उसमें सबसे मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट जो होगा दैट विल गिव अस द मेजर प्रोडक्ट। आउट ऑफ द मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनिक चेंज या ऑर्गेनिक रिएक्शन, द यू कैन से रिएक्शन प्रोसीडिंग थ्रू द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव अस द मेजर प्रोडक्ट। तो ओवरऑली अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ये जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है, इसकी स्टेबिलिटी है, ये काफी ज्यादा मायने रखता है मेजर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। और सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने रिएक्शंस है, कहीं ना कहीं ये रिएजेंट जब इस सब्सट्रेट के ऊपर अटैक करता है, सब्सट्रेट के कौन से साइड पर अटैक करेगा, किस तरह का रिएजेंट किस तरह के सब्सट्रेट के कौन से तरह के कौन से नेचर के सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, अगर करेगा तो मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, ये सारा जो कहानी है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के मदद से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का सवाल है बेटा, इस पर्टिकुलर हेडर के अंदर हम चार डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, देन मेसोमेरिक या रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, जिसमें हम एक बहुत सुंदर से फिनोमेनन रेजोनेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है, ये एक फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड है या आधारित है, वो फिनोमेनन है हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब अगर ये चारों इफेक्ट की बात करें, तो चार इफेक्ट में से जो पहले तीन इफेक्ट्स हैं बेटा, दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स, ये मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं, दे आर परमानेंट इफेक्ट, व्हाइल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ए अटैकिंग रिएजेंट, ये इसीलिए एक टेंपरेरी इफेक्ट होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस गो इन डिटेल अबाउट दीज फोर टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या,
जस्ट एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन चेन है और ये कार्बन चेन एक हैलोजन से जुड़ा हुआ है। एक्स इज ए हैलोजन, इसको हम मान सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हैलोजन जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते क्या करेगा, ये अपना जो कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पे बीचों बीच रहना चाहिए था, लेकिन अगर हम इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करेंगे, हैलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द यू कैन से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इस प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है, जो तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे हैं। अब अगर ये पार्शियली डिस्प्लेस हो जाता है, इसके वजह से इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किसी तरह का चेंजेस आएगा क्या इसके नेचर में, तो सिंपल सा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ पार्शियली शिफ्ट होंगे, वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा ड्यू टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंडक्शन। अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन इन्वॉल्व्ड पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होने के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक पार्शियल चार्ज क्रिएट कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। अब अगर इस कार्बन के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बगल वाले कार्बन से थोड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी थोड़ी सी पार्शियल चार्ज क्रिएट रहेगी। फिर और फर्दर चलेंगे और आएगा, अब से आएगा सर, कब तक चलेगा? द सिंपल आंसर है दिस इफेक्ट वैनिशेस आफ्टर थर्ड कार्बन। क्या बोलेंगे हम लोग, वैनिशेस आफ्टर थर्ड कार्बन। तो यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक तो चीज है कि ये जो इफेक्ट है इस ये किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आता है, और इसमें इन्वॉल्व क्या होता है ना सर, इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि ऐसा कोई इफेक्ट जिस जो कि मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्ज करेक्टर लाए, इन्वॉल्विंग पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन वी विल से दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। सच ए इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मींस अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, उसका जो खींचने इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होगी ज्यादा होने के कारण इस मॉलिक्यूल में जो चार्ज करेक्टर आएगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इस इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो तीसरे कार्बन के बाद वैनिश कर जाता है, यानी चौथे कार्बन के ऊपर किसी तरह का पॉजिटिव चार्ज इस हैलोजन के इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से नहीं आएगा, यानी कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट हो गया। एंड ये अगर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो ऑब्वियसली ये क्या बोलेंगे बेटा, एक परमानेंट इफेक्ट होगा, क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का ताकत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a covalently bonded molecule towards itself, apne taraf electron ko khichne ki taakat ko hum bolenge electronegativity, jiski electronegativity zyada ho electron cloud khichega to automatically is molecule ke upar partial charge character aayenge। So let us summarize this particular into a very beautiful definition। Inductive effect ko kis tarah se define karenge beta, charcha karenge to kya bolenge hum log, the inductive effect is an effect which comes into existence due to electronegativity difference, electronegativity difference ka chalte ye aata hai existence mein, jisme it involves partial displacement of sigma electrons, yaad rakhna, it involves partial displacement of sigma electrons, partial displacement hota hai, complete displacement nahi hota hai, towards the more electronegative atom, and jiske chalte kya hota hai, it causes a partial charge character in the molecule, causes पार्शियल चार्ज ग्रेटर इन द मॉलिक्यूल। तो हम बोलेंगे ऐसा कोई भी इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ रहा हो, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के तरफ, और जिसके चलते मॉलिक्यूल में पार्शियल चार्ज ग्रेटर आ जाए, इस इफेक्ट को हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, परमानेंट इफेक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो after the third carbon, यानी कि it vanishes after the third carbon, ऐसा बोल सकते हैं। Inductive effect की जो partial positive charge character हम देख रहे थे carbons के ऊपर halogens की वजह से, वो third carbon के बाद fourth carbon तक जब जाएंगे वो almost zero हो जाएगा, तो मानेंगे कि it vanishes after third carbon, यानी कि it is a distance dependent effect, and last but not the least it involves partial displacement of sigma electrons। अब अगर inductive effect की बात करें,
इंडक्टिव इफेक्ट को ब्रॉडली हमने दो तरह से डिवाइड किया, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की अगर बात करें बेटा, प्लस आई का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप का प्रेजेंस के वजह से, किसी रिंग या चेन से जो वो ग्रुप कनेक्टेड है, उस ग्रुप के वजह से अगर चेन या रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर उस रिंग या चेन के साथ जुड़ जाए, तो क्या करेगा वो ग्रुप, वो ग्रुप उस रिंग या चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर चेन और रिंग टू विच दिस ग्रुप इज कनेक्टेड, जिसके वजह से उसको बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो बन जाता है, एंड सच ए इफेक्ट कॉजेस और इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग और चेन। ऐसा कोई ग्रुप के वजह से, या फिर ऐसा कोई ग्रुप जो कि किसी रिंग या चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे, ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ERG लिखेंगे। इसको और एक नाम भी दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि EDG हो गया ये। ऐसा कोई ग्रुप जब किसी रिंग या चेन से कनेक्टेड हो, तो ये क्या करेगा बेटा, उस रिंग या चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स द रिंग और चेन, और जिसके चलते रिंग पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज करेक्टर आएगा। ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। सिमिलरली अगर ऐसा कोई ग्रुप है जो रिंग या चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच ले, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तब हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, एंड इट विल कॉज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ द रिंग और चेन टू व्हिच दिस ग्रुप इज कनेक्टेड। सो माइनस आई इफेक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर ऐसे कोई ग्रुप्स लगे हों जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो, ऐसे ग्रुप्स क्या करेंगे बेटा, रिंग या चेन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके चलते रिंग या चेन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, यानी उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के वजह से जो पार्शियल चार्ज करेक्टर आएगा, उस चार्ज करेक्टर मॉलिक्यूल में किसकी वजह से है, इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी की वजह से है, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। याद रखना, जब हम इस ग्रुप्स को कैटेगराइज करेंगे, बेसिकली हम दो चीजें ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा चीज, कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रहा है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगी, कोई अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो रहा है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद के पास डेफिशिएंसी होगी, तभी तो वो खींच पा रहा है। इसके पास एक्सेस में होगा, इसके पास डेफिशिएंसी होगा। तो ऐसा कोई स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बन सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिसके हाइड्रोजन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा हो, ऐसे ग्रुप्स हो जाएंगे प्लस आई ग्रुप्स। बेसिकली इसमें अल्काइल ग्रुप्स आते हैं, अल्काइल ग्रुप्स एंड ग्रुप्स विद नेगेटिव चार्ज, ग्रुप्स विद नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगा, तो ये बन जाएंगे प्लस आई ग्रुप्स। सिमिलरली जब हम माइनस आई को ढूंढें, जिस किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा हो, यानी कि प्योरली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे ग्रुप्स को बोले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसके अंडर कौन आएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, मोर एटम्स, ग्रुप्स विद एटम हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग और चेन, या फिर स्पीसीज विद पॉजिटिव चार्ज। जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वो हमेशा चाहेगा कि उसकी पॉजिटिव चार्ज कम हो, और जब कभी भी ऐसे ग्रुप को हम क्या करेंगे, किसी चेन या रिंग के साथ लगाएंगे, तो वो क्या करेगा बेटा, ग्रुप या चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ताकि उसकी पॉजिटिव चार्ज कम हो, एंड सच ए ग्रुप विल कॉज माइनस आई इफेक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम क्या करते हैं, इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनको कैटेगराइज करते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता के बेसिस पे उनके ऑर्डर को नोट डाउन करते हैं। अगर प्लस आई इफेक्ट की ग्रुप बात करें, तो मैंने क्या बताया, ग्रुप्स विद नेगेटिव चार्ज या अल्काइल ग्रुप्स आर बेसिकली टर्म्ड एज प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स। इतने ग्रुप्स को छोड़ के दुनिया में बाकी जितने ग्रुप्स हैं सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे सवाल आ रहा है, ऑर्डर क्या, देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो सर कार्बन को अगर लगाएंगे इस किसी कार्बन चेन के साथ, इस ग्रुप को अगर जोड़ेंगे, तो ये तो ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं, तो सर ये फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। नहीं बेटा, ये क्या करेगा,
एक्चुअली में क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ये अपने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे देगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी या क्षमता है, इसीलिए इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू इंडक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज? यहाँ पे क्या दिखा है फिर, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब अगर मान लेते हैं कि सर ऐसे नहीं होके सिर्फ स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप्स होगा, तब किसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी? याद रखना, बल्कियर द ग्रुप मोर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। जितना बल्कि होगा ग्रुप उसका इंडक्टिव उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपेयर करूँ CH2 CH3 will have a stronger electron donating capacity than CH2 CH3, and it will have a stronger donation capacity than methyl in CH3, it will have a stronger donation capacity than hydrogen. In this way we can categorize the plus I effect groups. Minus I effect ki taraf agar chalte hain, iski list badi hogi, it will be based purely on the electronegativity. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, वो सब इस ग्रुप में आएंगे। इधर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगा या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो हैलोजन्स लिखा है, हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सो दिस बिलोंग टू दिस ग्रुप। यहाँ पे देखो Nr3+R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप्स, पॉजिटिव चार्ज मेक्स दिस पर्टिकुलर ग्रुप ए यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, एंड दिस विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप or the chain or the ring to which this particular group is connected. So I hope सबको बढ़िया तरीके से inductive effect क्या होता है और किस तरह से हम inductive effect को categorize किए सबको clarity मिला। Next अगर second displacement theory की हम बात करें बेटा, the second displacement theory is resonating effect. अब ये resonating effect को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा resonance। ये resonance होता क्या? Resonance एक phenomenon है बेटा, जिसमें basically पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का यू कैन से कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट या डीलोकलाइजेशन के चलते हम एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी कि कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख पाते हैं, और उसके मदद से हम डिफरेंट एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझ पाते या एक्सप्लेन कर पाते हैं। जस्ट टू मेक यू हैव ए मोर क्लैरिटी, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मान लेते हैं किसी बेंजीन रिंग को अगर ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज केक्यूले वन। केक्यूले एक साइंटिस्ट थे जिनको सपना आया था कि एक सांप अपना ही पूंछ को काटने दौड़ा रहा है, और वहां से उन्होंने दो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। उसके मदद से उन्होंने दो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, ये था केक्यूले वन। अब अगर ये केक्यूले वन के बेंजीन रिंग को देखेंगे, बेंजीन रिंग में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी, एंड स्टैंडर्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा, 1.34 एंगस्ट्रॉम, एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। जब हमने बेंजीन के प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश की, हमने ये देखा कि जो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर 1.39 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ना वो डबल बॉन्ड जैसा है ना वो सिंगल बॉन्ड जैसा है। सिंगल बॉन्ड से छोटा था लेकिन डबल बॉन्ड से बड़ा था, यानी कि उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। अब इसको कैसे डिफाइन कर पाए? तब यहाँ पे हमने क्या किया, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमने शिफ्ट कर दिया, हमने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर दिया, हमें इसी मॉलिक्यूल का एक दूसरा स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें एटम्स तो जहां थे वही हैं, एटम्स का पोजीशन नहीं बदला लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बदल गया। ये हो गया केक्यूले वन, ये हो गया केक्यूले टू, ये केक्यूले वन हो गया और ये केक्यूले टू हो गया। इन एक ही मॉलिक्यूल, ये भी बेंजीन है ये भी बेंजीन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। ये स्ट्रक्चर्स रियल नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं, लेकिन हम ये स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ कर पाते हैं, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक कंजुगेटेड सिस्टम हो या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन किसी लोन पेयर या फिर फ्री रेडिकल या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज के साथ जब कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा हो, तब डीलोकलाइजेशन ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हेल्प अस टू राइट ए डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। अब जब ये दोनों स्ट्रक्चर को हम मिला देते हैं, हमें बेंजीन का एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड मिल जाता है। इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला बेटा, कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। जब ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला देते हैं, तब हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करते वक्त हम दोनों स्ट्रक्चर्स के इक्विवेलेंट पोजीशंस को लेते हैं,
बॉन्ड्स के एंड उसके आधार पे हम मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये कार्बन के और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, लेकिन सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इसके पास ना डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। सिमिलरली इसके पास भी वही आएगा, देन इसके पास वही आएगा, देन इसके पास भी वही आएगा। उससे हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, रेजोनेंट्रिक स्ट्रक्चर, रेजोनेंस की मदद से बेंजीन का एक स्ट्रक्चर दिया और हमने बोला कि the pi electron clouds are always, you can say, getting delocalized over the entire ring. ये एक प्लानर स्ट्रक्चर होगा और इसके प्लानर स्ट्रक्चर के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे केंद्रित ना होके ये घूमते रहेंगे। और इसके चलते हमें अब समझ आया कि क्यों कार्बन कार्बन बॉन्ड बेंजीन में सबके सब बराबर है, क्योंकि सबके सब कंप्लीट डबल बॉन्ड या कंप्लीट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं शो करते, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। अभी इसको हम समझा कैसे पाए, हमने जब ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किया तब हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स को मिला के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाए। अब रेजोनेंस का मतलब यही होता है, द फिनोमेनन व्हिच इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिस वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल व्हिच हेल्प्स अस टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल इज रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस एक फिनोमेनन है जो हमें एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में मदद करता है और जिसके चलते हम मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को समझ पाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, ब्यूटा 1,3 डाइईन लेते हैं, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब अगर यहाँ पे देखेंगे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, अब अगर ये दोनों डबल बॉन्ड्स का अगर मैं रिएक्शन कराऊं एक इक्विवेलेंट HBr या HCl के साथ करा रहा हूं, एक इक्विवेलेंट HCl के साथ करा रहा हूं। अब HCl को अगर हम देखेंगे, इसके पास दो एंटिटी है, एक H+ है और एक Cl- है, यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। अब अगर यहाँ पे इस HCl मॉलिक्यूल का यहाँ पे अटैक होगा, इधर इस डबल बॉन्ड पे करेगा या फिर इस डबल बॉन्ड पे करेगा, मान लो कि कार्बन का शिफ्टिंग इधर हुआ, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अगर इधर हुई इसके वजह से, तब क्या होगा बेटा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक पॉसिबल प्रोडक्ट हम बता रहे हैं, जस्ट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ पॉसिबल प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये H+ का अटैक इधर हो जाएगा और Cl- जाके इधर जुड़ जाएगा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, हमें समझ आ रहा था कि इधर ऑफ दिस डबल बॉन्ड के ऊपर, ये इधर ऑफ दिस डबल बॉन्ड के ऊपर कोई एक डबल बॉन्ड के ऊपर HCl का अटैक होगा और हमें एक्सपेक्टेड था कि जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट जाके इधर इस कार्बन पे लगे या फिर इस कार्बन पे लगे, एक ही बात है दोनों इक्विवेलेंट है, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का हमें प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था। जब एक्चुअली में रिएक्शन कैरी आउट किया गया, हमें जो सबसे मेजर प्रोडक्ट मिला, दैट मेजर प्रोडक्ट वाज हैविंग ए डबल बॉन्ड एट द सेंटर एंड वन एंड क्लोरीन वाज अटैच्ड एंड अदर एंड हाइड्रोजन वाज अटैच्ड। क्या हम इस स्ट्रक्चर की मदद से ये मेजर प्रोडक्ट कैसे हुआ एक्सप्लेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हमने इसी ब्यूटा 1,3 डाइईन का क्या किया, हमने ब्यूटा 1,3 डाइईन का हमने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का या फिर जो You can say double bonded carbons के जो pi electrons थे उनका जब हमने displacement किया या फिर delocalization किया और हमने क्या किया, एक conjugated system था ये, इस conjugated system में हमने क्या किया, pi electrons की displacement की। जब pi electrons का displacement किया, हमने यहाँ पे एक structure लिखा, हम यहाँ पे एक structure लिखे C single bond C double bond C single bond C। इस कार्बन के ऊपर हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर हमने दिया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था पाई इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ने ले लिया, यानी इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये अगर इधर शिफ्ट करा दो, रेजोनेंस कैसे लिखते हैं मैं समझाऊंगा, अगर इसकी शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग इधर की तरफ हुआ, सेकंड शिफ्टिंग का भी डायरेक्शन सेम होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इधर आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब नजदीक नजदीक होंगे इमीडिएटली बॉन्ड बना देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन बीच में आ गया और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तब ये हो गया, इस दोनों स्ट्रक्चर्स जो हो गए एक ही मॉलिक्यूल का हुआ जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन या फिर यू कैन से एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन यानी नियरेस्ट कार्बन की तरफ हुआ था। अब ये था रेजोनेंस। इसके चलते हमने क्या किया, इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ कर पाए। हम जब इन दोनों को मिला दिए, हमने देखा द
जब कभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इट इज ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स व्हिच विल और द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल गेट इन्वॉल्वड इन डीलोकलाइजेशन. एटम्स की पोजीशन इंटैक्ट रहेगी, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, वही 1 2 3 4 ऐसे हम लोग नामकरण कर दिए. तो पहला कार्बन के ऊपर और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें इसमें सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी कि वो जो मेजर प्रोडक्ट था वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये कैनोनिकल फॉर्म या फिर ये ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड होना जरूरी है. जब हमें ये डिफाइन कर पाता है, इस स्ट्रक्चर की मदद से हम इमीडिएटली बोल पाएंगे सीएल माइनस का अटैच यहाँ क्यों होगा, एच प्लस का अटैचमेंट यहाँ पे क्यों होगा. और हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक जगह नहीं रह के ये कम्प्लीटली डीलोकलाइजेशन हो गया इसका. एंड ये कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा. ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हैं बेटा, एक ही मॉलिक्यूल का, ये ब्यूटा 1,3-diene का, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन रेजोनेंस के मदद से हम ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाए और इस स्ट्रक्चर के मदद से हम अब ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हो रहा है एक्सप्लेन कर पा रहे. तो बेटा ओवरऑल हम रेजोनेंस को किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे, ए फिनोमेना व्हिच इन्वॉल्व्स यू कैन से डिस्प्लेसमेंट और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू व्हिच वी आर एबल टू ड्रॉ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेम मॉलिक्यूल एंड वी आर एबल टू व्हाट यू कैन से डिफाइन और एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल. सो द फिनोमेना ऑफ राइटिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल involving displacement or delocalization of क्या बोलेंगे यहाँ बेटा pi electrons or non-bonding electrons in order to explain all the characteristics or properties of a molecule and this is called as resonance. अब अगर resonance एक phenomenon है, इस resonance को लिखने के लिए कुछ conditions हैं क्या, resonating structures को draw करने के लिए कुछ conditions हैं क्या, तो simple सा answer है yes. So let us move towards the conditions. सबसे पहला condition है presence of a conjugation. एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना जरूरी है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. कॉन्जुगेशन को ढूंढना है कैसे, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ बेटा. हमेशा जब कभी भी कॉन्जुगेशन ढूंढो, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना जरूरी है. पाई इलेक्ट्रॉन से ये नंबर वन कार्बन दे दो, 1 2 3 फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ या नेगेटिव चार्ज के साथ या फिर लोन पेयर के साथ या फिर फ्री रेडिकल के साथ या फिर और एक पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हो फर्स्ट एंड थर्ड पोजिशन में, तब हमेशा याद रखना ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. और कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन है और रेजोनेंस लिखना है तो हमेशा याद रखना पड़ेगा द मॉलिक्यूल नीड टू बी प्लानर. आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तब डीलोकलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, एक ही प्लेन में रहेगा तब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन हो पाएगी. तो सबसे पहला कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, इन कॉन्जुगेशन भी डबल बॉन्ड. और जब मैं ये ट्रिक बताना 1 2 3 वाला, 1 एंड 3 वाला अल्टरनेट पोजिशन, हमेशा याद रखना इसको गिनते वक्त डबल बॉन्ड से ही शुरू करना. डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर. अगर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर, कहाँ से गिनना बोला था मैंने, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से गिनना, 1 2 3 फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड पोजीशन पे लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम बिटवीन अ लोन पेयर एंड ए पाई इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल मींस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. आई होप सबको समझ में आया कॉन्जुगेशन क्या होता है. सेकेंड, जब हम लिख रहे थे मैंने बात बताया था रेजोनेंस लिखते वक्त कि द एटम्स विल रिमेन इंटैक्ट, यानी कि इट इज नॉट द एटम्स व्हिच विल अंडरगो डीलोकलाइजेशन और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, इट इज ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन्स. कभी भी एटम्स का पोजीशन बदलता नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते वक्त, एटम जहां थे वहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमेशा हम याद रखेंगे. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब कभी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किसी भी उन स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का सम हमेशा बराबर होगा. अगर नहीं है किसी स्ट्रक्चर में 5 तक और किसी स्ट्रक्चर में 6 है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है. 6 हो या 4 हो, जित एक में 5 है तो सब में टोटल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का सम 5 ही होना पड़ेगा. अगर नहीं है इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है. सो दीज आर द कंडीशंस बेस्ड अपॉन व्हिच हम क्या करेंगे, रेजोनेंस होगा कि नहीं और होगा तो किस तरह से लिखना है उसको हम कर सकते हैं. सो और आगे डिटेल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का तरीका को सीखने के लिए हम कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स को लेते हैं, किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखते हैं उसको हम सीखते हैं. द
तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल लेट अस टेक ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन कॉन्जुगेशन विद अनदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. देखो बेटा यहां पे कॉन्जुगेशन है क्या? हां सर है. तब रेजोनेंस लिखेंगे कैसे? रेजोनेंस लिखने के कुछ नियम है. कंडीशंस पढ़ लिया, अब रूल्स पढ़ रहे हैं. रूल्स टू राइट रेजोनेंस. सबसे पहला रूल, जब कभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और दो पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो तो हमेशा याद रखना द फर्स्ट शिफ्ट. शिफ्टिंग करेंगे हम लोग, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा. डीलोकलाइजेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन को हमें शिफ्ट कराना है. द फर्स्ट शिफ्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम. तो यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों केसेस में कार्बन ही है एटम. सो बोथ आर हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अब उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो पहला शिफ्ट है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते. जब कभी भी ऐसा हमें मिले कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, रैंडमली यू डू द फर्स्ट शिफ्ट एज पर योर चॉइस. मैं मान लेते हैं कि कार्बन के ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्ट कर दिया. दिस इज द फर्स्ट शिफ्ट. जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं हो, रैंडमली चूज द फर्स्ट शिफ्ट. वंस द फर्स्ट शिफ्ट इज चूजन, ऑल अदर शिफ्ट्स मस्ट बी डन इन द सेम डायरेक्शन. एक बार एक शिफ्ट चूज कर लिए तो बाकी सारे शिफ्ट्स उसी डायरेक्शन में होना जरूरी है. कहने का मतलब ये है कि अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा रहे हैं तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग क्या होगा? अगर मैं इस तरफ कर रहा हूं तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग भी राइट साइड की तरफ ही होगा. अगर लेफ्ट की तरफ कर दिए तो ये गलत हो जाएगा. दिस इज करेक्ट सेकंड शिफ्ट. समझ में आ गया बेटा? एक बार जो शिफ्ट चूज कर लिया तो जो बाकी सारे शिफ्ट्स हैं वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए. मतलब ये वाला कैसे हो गया? कमिटमेंट कर लिया. एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो अपने अपने आप की भी नहीं सुन रहा है. ये सुन लो, तो हम क्या करेंगे? अगर फर्स्ट शिफ्ट हमने चूज कर लिया यहां तो सेकंड शिफ्ट का डायरेक्शन क्या हम इस तरफ कर सकते हैं? सिंपल आंसर होगा नो. फर्स्ट शिफ्ट जिस डायरेक्शन पे होगा ऑल अदर शिफ्ट्स मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन. आगे देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं. तो यहां पे फर्स्ट शिफ्ट हो गया तो सेकंड शिफ्ट कहां होगा बेटा? सेकंड शिफ्ट जब इस पाई इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके करेंगे ये इसी तरफ होगा. अब जब ये स्ट्रक्चर्स का शिफ्टिंग हो गया, अब हम क्या करेंगे? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे. शिफ्टिंग के बाद इस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज करेक्टर आएगा. जब कभी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, we will distinguish these two resonating structure by placing a double-headed arrow in between. यानी कि ये इसके मतलब they are interchangeable. कहने का मतलब क्या है? साइन क्यों दे रहे? ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये उसमें कन्वर्ट हो सकता है. They are always interchangeable. यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कार्बन की पोजिशन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, 1, 2, 3, 4 हमने नंबर दे दिया. ये नोमेनक्लेचर का नंबरिंग सिस्टम नहीं है बेटा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हमने इस तरह से लिख दिया. ठीक है, अब पोजीशंस कार्बन का जो था यही रहेगा, 1, 2, 3, 4. अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यानी इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा. अब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इधर शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन पे नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके इमीडिएटली एक बॉन्ड बना देंगे. यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये हो गया बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? कैनोनिकल फॉर्म्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल फॉर्म्स. ये दोनों एक ही नाम है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है. बस कैनोनिकल फॉर्म्स बोलना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलना एक ही चीज है. अब अगर यहाँ पे इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स को मैं जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? सर रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा. तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ के क्या कर दूं, सिंगल स्ट्रक्चर में डिफाइन करने की कोशिश करूं, पार्शियल डबल बॉन्ड अभी जस्ट सिखाया था मैंने, ये कार्बन का पोजीशन यही रहेगा, सेकंड कार्बन का पोजीशन यही रहेगा, थर्ड कार्बन का पोजीशन यही रहेगा, फोर्थ का पोजीशन यही रहेगा, है कि नहीं? अब अगर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कार्बन के ऊपर और सेकंड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ना उसके पास कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना उसके पास कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ डबल यहाँ सिंगल, यानी कि वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड थर्ड के बीच में देखो, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो क्या करना है बेटा? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बना देना है. थर्ड एंड फोर्थ के बीच में यहाँ डबल वहां सिंगल, तो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कर देना. फिर इस कार्बन के ऊपर नो चार्ज, देयर इज पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, यानी नो चार्ज. फोर्थ कार्बन के ऊपर नो चार्ज, बट इन दिस स्ट्रक्चर वी हैव अ नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या करना है बेटा? एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज कर देना. दिस इज द वे हाउ वी हैव टू डील व्हाइल राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स.
चलो और एक एग्जांपल लेके करते हैं जहां पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हो, ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ फर्स्ट शिफ्ट हम रैंडमली कर सकते हैं क्या इस केस में? तो सिंपल आंसर होगा सर नो। अब जब हम यहां पे बेटा फर्स्ट शिफ्ट करेंगे, डिसाइड कौन करेगा? ना सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिसाइड करेगा, दिस विल बी आवर फर्स्ट शिफ्ट। आंख बंद करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा देना। वंस वन शिफ्ट इज चूजन, ऑल अदर शिफ्ट्स मस्ट बी डन इन द सेम डायरेक्शन। अगर मैंने पहला शिफ्ट राइट साइड की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, राइट साइड की तरफ हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रहा है, ये कंपलसरी शिफ्ट है, उसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें मतलब उसमें ऑप्शंस थे, इसमें ऑप्शन नहीं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ ही करना है। इस केस में हमने क्या देखा, किसी किसी के माइंड में आया होगा, सर आपने इस कार्बन की तरफ किया, क्या हम इस कार्बन की तरफ कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अगर किसी के मन में आया कि सर थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ, स्ट्रक्चर के साथ, तो किस तरह से खेल सकते थे? ना सर, हमें मन कर रहा है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए, इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू दैट कार्बन। अगर मेरा ये फर्स्ट शिफ्ट होता तो मेरा सेकेंड शिफ्ट इस तरफ होता। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिल जाता मेरे को? यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसको जब मिला के हम लोग लिखते रेजोनेंस हाइब्रिड, हमें क्या मिलता? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब इस तरह से मैं इस कार्बन का और इस कार्बन के बीच में जो नेचर है बॉन्ड का वो डिफाइन कर पाऊंगा इन दोनों को मिला के। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था और फर्स्ट में कोई चार्ज नहीं था, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्या दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है बेटा? दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है क्या? है। तो आप किसी भी डायरेक्शन पे चूज कर सकते हो, यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं बनता है कि आप किस तरफ कर रहे हो, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। फर्स्ट शिफ्ट इधर क्या, तो सेकेंड शिफ्ट कंपल्सरीली इधर तरफ ही करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऑप्शंस थे, लेकिन इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ऑक्सीजन वाले केस में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हमने बोला कि जब कभी भी कोई एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, फर्स्ट शिफ्ट कौन डिसाइड करेगा? जो ताकतवर है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी ताकत यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट शिफ्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाई द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑलवेज डिसाइडेड बाई द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, decided by the more electronegative atom. ये सबसे ज्यादा ताकतवर जो है वही डिसाइड करेगा कि पहला शिफ्ट किधर होगा। ये फर्स्ट शिफ्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली कंपल्सरली सेकेंड शिफ्ट हमें इस तरफ करना पड़ेगा। एक बार शिफ्ट डिसाइड हो गया, अब क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज। अब ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो इन दिस केस वी डिडंट हैव अ ऑप्शन, फर्स्ट शिफ्ट विल ऑलवेज डिसाइडेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये याद रखना। अगर अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो पहला शिफ्ट हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ करेंगे, उसके बाद बाकी सारे शिफ्ट उसी डिरेक्शन पे फॉलो करेंगे। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। अब क्या करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन को चेक करते हैं। कॉन्जुगेशन चेक करेंगे कैसे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने से पहले कॉन्जुगेशन एक नहीं चेक करेंगे। देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से शुरू करना है, 1, 2 और ये थर्ड पोजिशन, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए। तो 1, 2, 3 मतलब ये अल्टरनेट पोजिशन में है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। इज इट क्लियर? अब जब इसका कॉन्जुगेशन हम लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कॉन्जुगेशन ध्यान से रखना। ये नेगेटिव चार्ज है, whenever there is a negative charge, the first shift is decided by negative charge. यहाँ पे decide कौन करेगा? The first shift will be decided by negative charge. उसमें first shift कौन decide करेगा? More electronegative atom. इसमें कौन करेगा? Negative charge. Negative charge decide करेगा and shift of negative charge. याद रखना, shift of negative charge. First shift decided by negative charge and shift is always towards single bond. Shift is always towards सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की तरफ हमेशा होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड की तरफ आएगा। लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कर रहे हैं, कहाँ करेंगे? बगल वाले एटम की तरफ करेंगे। ये इधर आया तो ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। इस तरफ आ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि अगर एक बार डायरेक्शन चूज कर दिया, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द एटम, तो ये भी अवे फ्रॉम द एटम आएगा। अगर मैं इस तरफ कर देता, इधर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उधर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, रिपल्सन हो जाता,
तो फर्स्ट शिफ्ट ने बताया सेकंड शिफ्ट किधर होगा। अब जब ये शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया, इस कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बना दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं रहेगा और इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो था वो कुछ इस तरह से रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में, अब ये क्या करेगा, इधर जाएगा एंड पाई नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड्स द सिंगल बॉन्ड। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इसकी जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब सवाल आ रहा है कि सर वापस हम इस तरफ कर दें क्या, ना, वंस द डायरेक्शन इज चूजन ऑल अदर शिफ्ट्स मस्ट बी डन इन द सेम डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो इसके बाद वाले जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे क्या इसके साथ वापस इसे पीछे की तरफ करके कर सकते हैं क्या, नहीं। ये एक बार डायरेक्शन चूज कर दिए मतलब हमेशा हमें उसी डायरेक्शन में फॉलो करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन के आधार इधर शिफ्टिंग कर दिए, जैसे ही शिफ्टिंग करेंगे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके इस ये वाले कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस डबल बॉन्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। नाउ अगेन दिस नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज इन कॉन्जुगेशन, तो नेगेटिव चार्ज को सिंगल बॉन्ड की तरफ आओ, पाई इलेक्ट्रॉन को एटम की तरफ ले लो, तो वापस क्या आ गया, Did we get the same structure? Only the pi electrons got shifted? Answer I guess. What happened? हमने जब resonance किया, resonating structures लिखे, only the pi electrons got shifted. First structure and last structure में देखेंगे, first structure में ये दो carbon के बीच में double bond है, last structure में देखो वो carbon के बीच में double bond नहीं है. यानी कि only delocalization of pi electrons occurred. It is not the atoms which involved in change of position, only the position of pi electron shifted. अब इसके चलते हम एक ही molecule के different structures draw कर पाए, पांच structures draw कर पाए. This is one structure, two structure, three structure, four structure, five structure. In order to explain all the properties of the same molecule, we have five structures. अब किसी structure के मदद से किसी property को define करने में हमें मदद मिल जाएगी. हमें अगर कोई पूछेगा कि कोई एक positive charge का attack होगा, तो ये oxygen के पारा या ऑर्थो या पारा पोजीशन में क्यों हो रहा है, हम एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये पारा मतलब ऑर्थो पोजीशंस एंड पारा पोजीशंस, इसको क्या बोलेंगे, पारा बोलेंगे, इन दोनों को ऑर्थो बोलेंगे, एडजेसेंट पोजीशंस को ऑर्थो बोलते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस को मेटा बोलते हैं एंड ऑपोजिट पोजीशन को पारा बोलते हैं बेंजीन रिंग का ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर कोई पूछेगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज यानी कि कोई एक कैटायन का अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होगा, कैटायन को हम किस तरह से बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, तो किसी का अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इसके ऊपर होगा तो हम बता सकते हैं कि इस ग्रुप के प्रेजेंस के वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक मोस्ट कंफर्टेबल ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे हो पाएगा बेस्ड ऑन द रेजोनेंस, क्योंकि ऑर्थो एंड पारा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ये और एग्जांपल है समझाने के लिए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स में रेजोनेंस को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, धीरे-धीरे समझेंगे बेटा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एनिलीन, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एनिलीन। तो अगर एनिलीन की बात करें, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन है 1 2 3। अब हमेशा याद रखना उसमें कौन डिसाइड कर रहा था, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, नेक्स्ट में कौन डिसाइड किया, नेगेटिव चार्ज, इसमें कौन डिसाइड करेगा, first shift will be decided by the lone pair electron and it will always occur towards single bond, hai na, to lone pair ka shifting karte hain, chalo lone pair ka shifting karenge, kis taraf hoga, single bond ki taraf aayega aur ye pi electron idhar jayega. ab iska jab structure draw karenge, yahan pe aa jayega double bond, nitrogen ka दोनों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, अपने पास जब बॉन्ड बनाएगा, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के थे, एक कार्बन को दे दिया, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड पाई इलेक्ट्रॉन नेबरिंग कार्बन पे शिफ्ट हुआ है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि एक बार एक डायरेक्शन चूज हो गया, बाकी सारे डायरेक्शन शिफ्टिंग का डायरेक्शन जो होगा वो सेम डायरेक्शन पे होगा, यू शुड नॉट चेंज द डायरेक्शन फर्दर। तो
अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर से माइंड में आ गया, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो क्या हम इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वापस ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं, क्यों? हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो एक बार एक डायरेक्शन चूज हो गया, पूरा डायरेक्शन उसी तरह से बाकी शिफ्ट फॉलो करेगा। तो ये शिफ्ट अगर होगा तो इधर ही होगा, देन व्हाट डू यू गेट? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज को इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होते हुए देख रहे हैं। नाउ दिस टू आर इन कॉन्जुगेशन, तो ये नेगेटिव चार्ज इस सिंगल बॉन्ड की तरफ आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या आया बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, एंड द लोन पेयर वेंट बैक टू द नाइट्रोजन। अब इस प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस के दौरान क्या हुआ? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई तो हम क्या देख रहे हैं, ओनली रीलोकेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स अकर्ड, एटम्स डिड नॉट चेंज द पोजीशन। अब इस स्ट्रक्चर के मदद से हम सारे प्रॉपर्टीज एनिलीन के डिफाइन करने में हमें सक्षम हो पाएंगे, सारे मतलब रेजोनेंस के आधार पे जो जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पाएंगे, इस सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं कर पा रहे थे, अब इन स्ट्रक्चर से हम कर पाएंगे। अब अगर एनिलीन के प्रेजेंस की वजह से कोई अगर हमें पूछे कि अगर इसमें किसी पॉजिटिव चार्ज का अटैक कहाँ पे होगा, तो हम बोल सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होगा। किसी नेगेटिव चार्ज का अटैक कहाँ पे हो पाएगा, तो हम बोलेंगे इसका मेटा पोजिशन पे होगा, क्योंकि इसके वजह से ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग का बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पे बढ़ा रहा है, और इस रेजोनेंस के होने के चलते मेटा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जबकि वो इमीडिएटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज नियरर टू इट, यानी ऑर्थो या पैरा पोजिशन में होने के चलते यहाँ पे इमीडिएटली वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन मतलब ये स्ट्रक्चर्स जब ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसके मदद से हम विदाउट एनी सेकेंड थॉट मॉलिक्यूल्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, जो उसके जनरल स्ट्रक्चर है, जो उसका रियल स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर जो डिसाइड नहीं कर पाते हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स जो कि हमने रेजोनेंस के मदद से ड्रॉ किया, उससे हम क्या कर पा रहे हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि रेजोनेंस है मीट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हमने इंडक्टिव को दो पार्ट में ब्रेक किया था, रेजोनेंस इफेक्ट भी देखो, रेजोनेंस क्या फिनोमेना है, रेजोनेंस इज ए फिनोमेना, एंड इस फिनोमेनन के चलते मॉलिक्यूल में चार्ज कैरेक्टर आ रहे, इस फिनोमेनन में पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, जिसके चलते देखो मॉलिक्यूल पहले, अगर सबसे पहला मॉलिक्यूल की तरफ चलेंगे तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओवरऑली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं रेजोनेंस इन्वॉल्व कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, और उसके चलते क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल में चार्ज करेक्टर आ रहा है। तो रेजोनेंस इज अ फिनोमेनन एंड इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू विच चार्ज करेक्टर कम्स इन टू एग्जिस्टेंस इन द मॉलिक्यूल। अभी पार्शियल चार्ज करेक्टर जो आया मॉलिक्यूल्स में वो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, फिनोमेनन था रेजोनेंस, इसके वजह से जो चार्ज करेक्टर आया इसको बोल दिया रेजोनेटिंग इफेक्ट। हमने जब लिखा था रेजोनेटिंग इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में ज्यादा कोई अंतर नहीं है बेटा। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस तरह से इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के वजह से होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के चलते, उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में बेसिक डिफरेंस यही है, एंड हम जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे ये मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम चीज है। तो अगर मैं रेजोनेंस इफेक्ट की बात करूं, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को हमने आर इफेक्ट से रिप्रेजेंट किया है, आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट बोल सकते हैं, और एम इफेक्ट बहुत सिंपल एंड सरलता के साथ हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। रेजोनेंस इज अ फिनोमेनन एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट इज व्हाट, द चार्ज कैरेक्टर बिल्ट अप इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज रेजोनेटिंग इफेक्ट। एंड व्हेन ए मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर is explained or the stability of a molecule or chemical stability of a molecule is explained by the electron displacement or by the pi electron displacement due to the presence of a group is called as mesomeric effect. Mesomeric effect में क्या करते हैं बेटा, किसी group के वजह से उस molecule की chemical stability या chemical property या फिर you can say किसी charged particle की stability को उस group के respect में जब हम define करते हैं और उसमें resonance involve होता है तो उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। तो हम इतना उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम सिंपलीफाई करके रखेंगे, दोनों एक ही है हम मान के चलेंगे। तो
रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को जब हम डिवाइड करेंगे, इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते, जैसे प्लस आई माइनस आई था उसी तरह से प्लस आर या प्लस एम एंड माइनस एम होगा। मान लो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट हम देखेंगे, प्लस आर एंड प्लस एम इफेक्ट को अगर ऑब्जर्व करेंगे कैसे होता है, देखो मान लो कोई ग्रुप है जो कि एक रिंग या चेन के साथ एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप जो है ये किसी रिंग या जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस ग्रुप को हमने क्या कर दिया बेटा, ऐसा एक ग्रुप चूज किया जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस रिंग के कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में, हाँ यस सर है। अब ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ना जब मैं कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो होगा क्या ना, हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे ये ग्रुप जो है इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, ये जो रिंग है ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ग्रुप बढ़ा रहा है, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट, द डीलोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के चलते ये ग्रुप इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट। समझ में आ रहा ना बेटा, तो अगर यहाँ पे कोई अगर नेगेटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज होता और ये ग्रुप उसको स्टेबिलाइज करता, तब हम उसको बोल देते हैं इट इज गेटिंग स्टेबिलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्लस एम इफेक्ट। दोनों एक ही चीज है, बोथ विल इन्वॉल्विंग रेजोनेंस ओनली, बस ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ये चार्ज करेक्टर के बारे में बताता है और डिफरेंस कुछ है ही नहीं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जिस किसी भी ग्रुप के पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तब ऐसे ग्रुप्स किसी रिंग का या चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, एंड सच ग्रुप्स आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस और ऐसे इफेक्ट को बोलेंगे प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप है, अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और वो खुद एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जैसे कि बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के साथ कौन कनेक्टेड है, NO2 ग्रुप है, NO2 का नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है और नाइट्रोजन खुद ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड से लिंक्ड है। जब कभी भी ऐसा कोई ग्रुप हो जो कि एक कॉन्जुगेटेड रिंग या चेन स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्टली लगा हो और खुद एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तब ये क्या करेगा बेटा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। रेजोनेंस जब होगा फर्स्ट शिफ्ट विल बी डिसाइडेड बाय मोर इलेक्ट्रो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट ऑक्सीजन विल डिसाइड द फर्स्ट शिफ्ट, वंस वन शिफ्ट इज चूजन ऑल अदर शिफ्ट्स विल अकर इन द सेम डायरेक्शन, ऑल अदर शिफ्ट्स विल अकर इन द सेम डायरेक्शन। तो हम यहां पे अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो रिंग था, ये रिंग से ये जो NO2 नाइट्रो ग्रुप है, ये रेजोनेंस के चलते रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले रहा है, यानी इट इज विथड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग एंड इट इज बिहेविंग एज ए इलेक्ट्रॉन, इसको अगर इस ग्रुप को अगर बोलेंगे इट इज बिहेविंग एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। तो बेटा हमने यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से क्या समझा कि अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और वो एक कॉन्जुगेटेड रिंग या चेन सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तब ये ग्रुप क्या कर रहा है, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू इंडक्शन एंड रेजोनेंस इफेक्ट ड्यू टू रेजोनेंस, दोनों अलग अलग चीजें। एक ग्रुप ऐसा भी हो सकता है विच इज माइनस आई बट प्लस आर ड्यू टू रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम लोग OCH3 लेते हैं, OCH3 इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू इंडक्शन, माइनस आई ग्रुप होता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होने के कारण इट इज ए प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो ग्रुप है ये इफेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में ग्रुप्स को डिवाइड किया था उस तरह से रेजोनेंस में भी क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। सिमिलरली अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के थ्रू जुड़ा हुआ हो एक मल्टीपल बॉन्ड की मदद से, तब ऐसे ग्रुप्स क्या करते हैं बेटा, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जब खुद कॉन्जुगेशन में आते हैं तो उस रिंग या चेन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं एंड दे बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स व्हिच ग्रुप्स विल बिहेव एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस, और ऐसे कौन से ग्रुप होंगे
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा बिहेव करेंगे ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर मैं प्लस आर इफेक्ट ग्रुप्स की बात करूं, कंडीशन क्या है, ग्रुप्स विद एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तब ऐसे ग्रुप्स अगर किसी कंजुगेटेड रिंग या चेन के साथ अगर कंजुगेशन में आते हैं या फिर कनेक्शन में रहते हैं, तब ऐसे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा बिहेव करते हैं एंड दे आर सेड टू एग्जिबिट प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। अगर ये ग्रुप्स के प्रेजेंस में कोई चार्ज कैरेक्टर का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा देन दे विल बी शोइंग एज और दे विल बी टर्म्ड एज प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लस आर इफेक्ट ग्रुप्स। यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स स्टैंड्स फॉर हैलोजन्स। एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, जब एप्लीकेशन पार्ट में जाएंगे तब याद रखेंगे। हैलोजन्स की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होने के कारण डिस्पाइट हैविंग यू कैन से टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इंडक्टिव पावर होती है माइनस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू ड्यू टू ये इंडक्शन है बिकॉज दे हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जनरल जो ऑर्डर होता है हम आगे पढ़ेंगे, रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट माना जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट माना जाता है विथ सम एक्सेप्शंस। वन ऑफ द एक्सेप्शंस एंड यू कैन से इस केस में ओनली एक्सेप्शन है, रेजोनेंस जो है इंडक्टिव से वीकर हो जाता है इन केस ऑफ हैलोजन्स और हैलोजन्स। हैलोजन्स का स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इनका जो टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को मैं दूं और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एंड इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ड्यू टू इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ड्यू टू रेजोनेंस से सुपीरियर हो जाता है। ये एक्सेप्शन याद रखना, जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब इसको क्या करेंगे तो यूज करेंगे वहां पे। सिमिलरली अगर मैं ऐसे ग्रुप्स को ढूंढूं जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों और एक कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जब लगते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे बिहेव करते हैं, इनको माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे, जब ये पर्टिकुलर किसी चार्ज करेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे होंगे। सो इसका कंडीशन क्या है, ग्रुप विथ मल्टीपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड विथ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि हमने नाइट्रो ग्रुप का एग्जाम्पल लिया था, NO2 ग्रुप कैसा होता है, NO2 ग्रुप की अगर हम बात करें एन डबल बॉन्ड ओ एटी बॉन्ड ओ, ये जो डबल बॉन्ड ओ है जब ये नाइट्रोजन एक कंजुगेटेड सिस्टम के साथ लगेगा तो ये क्या करेगा बेटा, इस कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा एंड ये ऐसा लग रहा है कि रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप के तरफ जा रहा है, इसलिए दिस ग्रुप इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू क्या बेटा, रेजोनेंस। जो ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं प्लस एम या प्लस आई या माइनस आई, ये प्लस आर या माइनस आर कुछ भी दिखा सकते हैं डिपेंडिंग अपन द कंडीशंस ऑफ ईच इफेक्ट। तो इस इफेक्ट के लिए कंडीशन ये, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और रेजोनेंस डिफरेंस। तो बेटा आज के लेक्चर के लिए यही रखते हैं हम लोग। अब हम लोग बहुत शानदार तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है समझे, और रेजोनेंस में हमने देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन या फिर शिफ्टिंग हो रहा है। तो सवाल आता है माइंड में कि सर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग इन्वॉल्व है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के एनर्जी के दम पे कर रहे होंगे ये शिफ्टिंग, बिल्कुल हाँ। तो अगर ऐसा है देन दिस नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू रेजोनेंस मस्ट बी डिक्रीजिंग। इसका मतलब यही है कि द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू रेजोनेंस यानी कि रेजोनेंस एनर्जी जो होगा वो एक स्टेबिलाइजिंग एनर्जी होगा। तो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक में समझेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस to write or the rules to write you can sort define the stability based on the resonance, और साथ ही साथ हम आने वाले जो दो इफेक्ट्स है हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ते हुए कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स के ऊपर टच करेंगे। एंड आने वाले लेक्चर्स में दो लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे बेटा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ एप्लीकेशन वाले पार्ट्स के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन एंड उसके एक्सेप्शन को कवर करते हुए पूरे टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से रैपअप करेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बेटा, जब हम किसी चीज़ की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसके प्रिपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और उसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड यू कैन से क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करना और स्टडी मटेरियल को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो इस पर्टिकुलर बच्चों के लिए जो चैलेंज रहता है उसको ओवरकम करने के लिए हमने टीम आईआईबी ने आईआईबी पीसीबी आधार 3.0 लॉन्च किया है। अगर आप लोग उसमें रजिस्टर नहीं किए हैं रजिस्टर क्विकली एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ ए वेरी स्टैंडर्ड प्रॉपरली प्लान्ड प्रिपरेशन मॉड्यूल। होप आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड मीट यू अगेन, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, थिंक नीट थिंक आईआईबी।